हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो मास्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए किस तरीके से इस बार एडमिशन होने वाले हैं, या फिर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो PhD के स्टूडेंट हैं उनका जो एडमिशन है वो किस तरीके से होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लगभग 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे, जो कि स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी पे था, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो ऑफिशियल नोटिस है वो रिलीज़ करा था और उसमें ये क्लियर करा था कि हम लोग जो है इस फॉर्मेट से एडमिशन नहीं लेंगे, यानी कि आपका ये जो है CUET जो है इसके थ्रू एडमिशन नहीं लेंगे हम लोग, हमारा जो पुराना फॉर्मेट था उसी के रिगार्डिंग जो है एडमिशन लेंगे PG और PhD में। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं जो अदर यूनिवर्सिटी है, आई मीन जो ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मास्टर के कोर्स ऑफर करे जाते हैं, तो क्या वहाँ से कोई अपडेट सामने निकल के आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने ये देखा है कि जो UG के कोर्स के लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पर भी जो मास्टर वाले स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि हमारा भी जो है इसी तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँगा ऑफिशियल जो चीज़ें हैं उन पर। सबसे पहली चीज़ यह है कि किसी भी यूनिवर्सिटी ने, आई मीन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर नहीं कराया कि हम लोग जो है आपके जो एग्ज़ाम है वो पुराने फॉर्मेट से लेंगे। लेकिन ये भी उन्होंने नहीं बोला है कि हम लोग आपके जो एग्ज़ाम है वो CUET के थ्रू लेंगे, ये भी उन्होंने नहीं बोला, यानी कि उनके थ्रू कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये जो है कन्फर्म होता है या नहीं होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका CUET का जो नोटिफिकेशन आया है गाइज, ये आपका आया है केवल और केवल UG के कोर्स के लिए। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि ये जो UG के कोर्स के लिए आया है इसका मतलब ये है कि मास्टर के जो कोर्स है, ठीक है, मास्टर के जो कोर्स है या फिर PhD के जो कोर्स है वो इस साल इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। NTA ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला, उसमें ये क्लियर करा कि ये केवल और केवल ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आनी चाहिए कि ये मास्टर के कोर्स के लिए नहीं है। और मास्टर के लिए कोर्स के लिए अगर होता भी है, जैसा कि ये नोटिस आया है, तो इस नोटिस में ग्रेजुएशन के जो कोर्स है, ठीक है, उनका सब कुछ दे रखा है। आई मीन जो जितना भी लाइक सिलेबस वगैरह है, किस तरीके से क्या पैटर्न रहेगा, सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन मास्टर का एक पॉइंट उसमें नहीं है, यानी कि PG और PhD के जो कोर्स है उनका सिंगल पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि इस तरीके से एग्ज़ाम होगा। सो ये सिंपल है, ये क्लियर है कि मास्टर के जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर जो है CUET नहीं होने वाला है। उनका जो एग्ज़ाम है वो उसी फॉर्मेट में होगा जिस फॉर्मेट में पहले होता था। बस जैसे नाम अगर मान लीजिए कि इन्होंने चेंज कर दिया, इसका पार्ट बन गया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर सिलेबस में कोई भी चेंज आता तो अभी तक NTA इस पे नोटिस रिलीज कर चुका होता, आपका नोटिस आ चुका होता कि जो PG और PhD के स्टूडेंट है उनका जो एग्ज़ाम है वो इस तरीके से रहेगा, इतना जो पार्ट है वो सब्जेक्ट का रहेगा, इतना जो पार्ट है वो एप्टीट्यूड का रहेगा। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन गाइज नहीं आया है। सो ये क्लियर है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो उसी फॉर्मेट में होने वाला है। सो आप उसी तरीके से अपनी तैयारी रखो जिस तरीके से आप पहले कर रहे थे। लाइक अगर आप लोग हिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग पॉलिटिकल के लिए कर रहे हो, आप लोग ज्योग्राफी के लिए कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आप अपनी जो है कमांड बनाओ, यानी कि उस सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी करिए। जो ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे केवल आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ आपका JNU में, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ आपका BHU में, या फिर मैं बात करूँ DU के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप मास्टर के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर अदर जो टॉपिक है, यानी कि जैसे करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछता। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देंगे, POLM का एग्जाम देंगे JNU में, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स वगैरह नहीं पूछेगा। करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट ना के बराबर हो सकता है कि आपको वो पूछ ले, बाकी आपका जो कोर है यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपसे पूछेगा। और जो BHU है तो BHU में भी आपका जो मेन जो सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, या फिर हिंदी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है, अदर जो पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही चीज़ लागू होती है। तो जो सब्जेक्ट है, तो आप पूरी तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आप कमांड बनाइए, ठीक है। अभी ये जो कन्फ्यूजन आपका बना हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ऐसा आया है कि हम ये लेंगे और ना ऐसा आया है कि हम लोग नहीं लेंगे। हालांकि नहीं लेंगे इस पर काफ़ी पहले आ चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है, जो
एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था, लगभग आप लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू देखा भी होगा, मैंने भी आपको एक वीडियो बना के बताया था इस बारे में कि इस बार जो है पीजी के जो कोर्स है उसके लिए नहीं होगा और ग्रेजुएशन के जो कोर्स है उसके लिए ही होगा। सो एनटीए ने इस पे जो नोटिफिकेशन जो रिलीज़ करा था, एनटीए ने जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ करा था उसमें ये क्लियर हो चुका है कि ये ग्रेजुएशन के जो कोर्स है वहाँ तक ही सीमित है फिलहाल, और मास्टर के जो कोर्स है उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो जो ग्रेजुएशन के कोर्स है उनमें ये लागू हो रहा है, मास्टर के कोर्स में लागू नहीं हो रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब देखिए अगर आप लोग इन कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कुछ कोर्स, जैसे कि अगर आप लोग पीओलम के लिए तैयारी कर रहे हो, जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग जो है आपका जो पीआईएसएम है, ठीक है, पीआईएसएम के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग आईआर के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इन सब्जेक्ट के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हो। 10 अप्रैल से जो है हमारी ऑनलाइन क्लास यहाँ पे शुरू हो रही है। ओके, उसका जो डिटेल है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हो, ठीक है, सारी जो डिटेल है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो गाइज इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।